दोस्तों रिलायंस जियो की तरफ से एक नया एप्लीकेशन जियो फाइनेंस लॉन्च किया गया है और आपको मालूम ही होगा कि जियो फाइनेंस एप्लीकेशन में यूपीआई की सर्विस के साथ साथ वॉलेट और बैंक अकाउंट खोलने की ऑप्शन मिलता है। इसके साथ ही आपको इंश्योरेंस और लोन जैसे सर्विस, रिचार्ज और बिल पेमेंट जैसे सर्विस भी उस एप्लीकेशन पर देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जियो फाइनेंस वॉलेट अकाउंट खोल सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट जियो फाइनेंस एप्लीकेशन में खोलना चाहते हैं तो आपके लिए एक नया अकाउंट लॉन्च किया गया है जियो की तरफ से, जिस अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड मिलता है जो कि रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलता है और इसमें आपको अप टू 2 लाख रुपए का फ्री इंश्योरेंस कवर मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको ऑफर ढेर सारा देखने को मिलता है जिसके ऊपर एक अलग से डिटेल में वीडियो बना चुका हूं कि इस कार्ड की क्या बेनिफिट है। बिल्कुल फ्री में आपको यह कार्ड दिया जाता है, महीने में 10 बार आप एटीएम से कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर आप लोगों के लिए है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं कि किस तरह से एक डेबिट कार्ड वाला अकाउंट खोलना है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं सबसे ऊपर, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे आप अकाउंट खोलने जाएंगे तो 2 अकाउंट दिखेगा, एक डेबिट कार्ड वाला और एक बिना डेबिट कार्ड वाला। तो डेबिट कार्ड वाला खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इस वीडियो में जानिए कि किस तरह से जियो फाइनेंस का वॉलेट अकाउंट खोल सकते हैं। देखिए जियो फाइनेंस का जो वॉलेट अकाउंट खोलते हैं वो मिनी केवाईसी यानी मिनिमम केवाईसी के साथ आप खोल पाते हैं, जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर कोई भी वोटर आईडी कार्ड देकर आप खोल सकते हैं। इस वॉलेट की जो मंथली लिमिट दिया जाएगा अप टू 10,000 रुपए तक दिया जाएगा। अगर इस वॉलेट को फुल केवाईसी में कन्वर्ट करना चाहती हैं तो आपको सेविंग्स अकाउंट में अपग्रेड करना होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि 10,000 रुपए तक मैं इस्तेमाल करूं, इसमें ऐड मनी करूं और इसके बैलेंस से आप ट्रांजेक्शन वगैरह करना चाहते हैं जैसे रिचार्ज और बिल पेमेंट वगैरह में, तो आप मिनिमम केवाईसी करके जियो फाइनेंस वॉलेट अकाउंट खोल सकती हैं। आइए दिखाता हूं कि किस तरह से जियो फाइनेंस वॉलेट अकाउंट आप खोल सकती हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, जियो फाइनेंस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। अगर आपको प्ले स्टोर पर खोजने पर नहीं मिलता तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो कि जियो फाइनेंस बीटा एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन का ओवरव्यू आप देख सकते हैं, चूंकि ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। सारे फाइनेंस जैसी सर्विसेज आपको इस एप्लीकेशन पर देखने को मिलता है। इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो देखो बहुत जल्द जो है 4.6 रेटिंग के साथ ये एप्लीकेशन हो चुका है और यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ना सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपके सामने नजर आएंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है तो आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वह मोबाइल नंबर दर्ज करना है जिससे आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, चाहे वो नन जियो नंबर है तो भी आप यहाँ पर अकाउंट उस नंबर से बना सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया है, यहाँ पर जस्ट अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद ओटीपी सबमिट हो गया। यहाँ पर फिंगरप्रिंट अनलॉक करने को मतलब इनेबल करने को बोल रहा है, एक्टिव करने को, तो अगर आप चाहो तो एक्टिव कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो कि बाद में आप इसे एक्टिव कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके सामने होम पेज कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। जस्ट आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट की ऑप्शन आएगा तो बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब बोल रहा कि डिवाइस वेरिफिकेशन करना है जिससे आपके नंबर द्वारा एक एसएमएस भेजा जाएगा डिवाइस वेरिफिकेशन के लिए, तो जस्ट आप अलाउ पर क्लिक करेंगे, फोन कॉल और एसएमएस की परमिशन दे देंगे और आपके नंबर से एक एसएमएस जो है सेंड होने लगेगा और आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। अब आपके सामने सेविंग्स अकाउंट खोलने का ऑप्शन आता है, दूसरा वॉलेट अकाउंट खोलने का ऑप्शन आता है, तो गेट ए वॉलेट पर आप क्लिक करेंगे वॉलेट अकाउंट खोलने के लिए। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहां पर सबमिट हो जाएगा। अब आपके सामने यहां पर अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आईडी टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा कि पैन कार्ड या फिर क्या आप यूज करना चाहते हैं। उसके बाद आईडी नंबर, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके और नीचे आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर सारा डिटेल मैंने एंटर कर दिया, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद जस्ट नीचे कंटिन्यू की ऑप्शन है, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जस्ट कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जियो पेमेंट बैंक का वॉलेट अकाउंट सक्सेसफुल खुल गया है। अब सिक्योर अकाउंट का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट का पिन सेट करना होता है, जो कि आप अपने मन से 4 डिजिट का पिन सेट कर लीजिएगा।
रहेगा, ताकि जब कभी भी आप वॉलेट अकाउंट एक्सेस कर सके यहाँ पर पिन दर्ज करके वेरीफाई हो सके। यहाँ पर मैंने पिन दर्ज कर दिया है, जो पिन आप यहाँ पर डालेंगे ना वही पिन आपको नीचे में दर्ज करना होगा। देखिए यहाँ पर अगर फिंगरप्रिंट से लॉग इन करना चाहते हैं तो इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते अभी इनेबल तो बाद में भी आप कर सकते हैं, जस्ट आप सेट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेट बटन पर क्लिक करते हैं पिन सक्सेसफुल सेट हो जाता है और आपको SMS भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा कि ऑथेंटिकेशन कीजिए, मतलब आपने जो पिन सेट किया है वही आपको दर्ज करना है। आप जैसे ही पिन दर्ज करते हैं यहाँ पर आपका वॉलेट अकाउंट दिखा दिया जाता है, जो कि आप देखेंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अपग्रेड टू सेविंग अकाउंट, यानी आप अपने वॉलेट अकाउंट को सेविंग अकाउंट में अपग्रेड कर सकेंगे। यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाता है, जैसे ऐड मनी करने का ऑप्शन मिलता है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 10,000 रुपये तक महीने में आप ऐड मनी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये ऐड मनी करना है तो यहाँ पर आपका जो जियो वॉलेट रहता है वो आपके मोबाइल नंबर से ही वॉलेट नंबर रहता है, ठीक है। यहाँ पर 100 रुपये एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके सामने कई ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप पेटीएम के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप ऐड मनी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को चुनेंगे और यहाँ पर डिटेल एंटर करके आसानी से ऐड मनी कर लेंगे। इसके बाद आपको पासबुक की ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं आप यहां पासबुक में देख सकते हैं। और प्रोफाइल की ऑप्शन मिल जाता है जिसमें वॉलेट अकाउंट नंबर आपको दिखा दिया जाता है, जो कि आपका मोबाइल नंबर ही वॉलेट अकाउंट नंबर रहता है। इसके साथ ही यूनिक रिलेशनशिप नंबर आपको दिख जाता है, जिस पर आप यहाँ पर देखने वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका यूनिक रिलेशनशिप नंबर दिख जाएगा। जिस तरह से बैंक अकाउंट आप खोलते हैं ना तो अकाउंट नंबर मिल जाता है, उसके बाद कस्टमर आईडी मिल जाता है, उसी प्रकार से उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पर दिख जाता है और आप अपने वॉलेट अकाउंट को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं जब चाहे तब। आइए मैं ऐड मनी करके दिखाता हूँ। ऐड मनी पर क्लिक करता हूँ और 100 रुपये यहाँ पर, चलो 10 रुपये ही ऐड करता हूँ, जस्ट नेक्स्ट करता हूँ और उसके बाद पेटीएम UPI से कर लेता हूँ। यहाँ पर सीधे पेटीएम एप्लीकेशन पर लेकर आया है और 10 रुपये पे करने को बोल रहा। पे नाउ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर UPI पिन दर्ज करने का ऑप्शन आ गया। UPI पिन दर्ज करने के बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन प्रोसेस में गया है और आप देख सकते हैं 10 रुपये पेड सक्सेसफुल हो गया और वापस से आपको वॉलेट पर लेकर आ जाता है, जिसमें ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे 10 रुपये ट्रांजेक्शन हो चुका है। जस्ट यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे और वॉलेट में आप देखेंगे कि 10 रुपये यहाँ पर ऐड हो चुका है। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बैलेंस यहाँ भी है। अब इस बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में आप भेज नहीं सकते हैं लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वॉलेट अकाउंट खोल सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि देखिए वॉलेट अकाउंट आप खोलते हैं तो इसमें ऐड मनी शुरुआत में कम ही कीजिएगा, ठीक है, और उसे आप यूज करके देखिएगा। कुछ देर बाद यूज होना शुरू होता है और मुझे लगता है कि आप लोगों को वॉलेट अकाउंट को अपग्रेड कर लेना चाहिए सेविंग्स अकाउंट में, जिसके ऊपर एक अलग से डिटेल में वीडियो है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जियो फाइनेंस का वॉलेट अकाउंट खोलना होता है। मैं आपको बता दूं कि इस वॉलेट अकाउंट की कोई भी चार्ज आपसे नहीं किया जाता है, ना तो मंथली चार्ज है और ना ही कोई मेंटेनेंस चार्ज है, ना ही कोई ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज है। लेकिन याद रहे कि इस वॉलेट अकाउंट से आप किसी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भेज सकते हैं। जब आप एक बार ऐड मनी कर लेते हैं तो उसका इस्तेमाल रिचार्ज और बिल पेमेंट जैसे कामों के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन किसी के बैंक अकाउंट में आप नहीं भेज सकते हैं। यहां तक कि एक और बात बता दूं कि आप अपने वॉलेट अकाउंट में कोई भी ऐसा डेबिट कार्ड नहीं प्राप्त कर पाते हैं, कोई भी ऐसा वर्चुअल कार्ड नहीं प्राप्त करते हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए होता है तो इसके लिए आपको जो है बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, जो कि अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है। एक और बात बताना चाहेंगे कि आप जियो फाइनेंस वॉलेट अकाउंट खोलते हैं तो फर्स्ट टाइम आप 10 रुपये या फिर 100 रुपये या फिर 50 रुपये ऐसे करके ऐड मनी करिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक भाई ने टेलीग्राम पर मुझे ये सूचित कराया कि जब मैं 1,000 रुपये जियो वॉलेट में ऐड किया तो वो वॉलेट में ऐड नहीं हुआ, और जब कस्टमर केयर से बात किया तो उनका कहना था कि आप अपने वॉलेट को सेविंग्स अकाउंट में अपग्रेड करिए, उसके बाद ये बैलेंस आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। और वही हुआ, जब वो अपने वॉलेट अकाउंट को अपग्रेड करके एक जियो पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट खोले तब जाकर उसमें जो है बैलेंस ट्रांसफर कर दिया गया, यानी उनके सेविंग्स अकाउंट में। तो हाँ, इस तरह से हो सकता है अगर आप वॉलेट अकाउंट खोलते हैं और उसमें ऐड मनी करते हैं तो आप लोग अगर सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे तो वॉलेट अकाउंट में जो बैलेंस रहेगा वो आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो एक तरह से ये आप समझ सकते हैं कि भाई वॉलेट को आप बैंक अकाउंट में अपने ट्रांसफर कर पाए, लेकिन
जब आप वॉलेट अकाउंट में ऐड मनी करते हैं ना पहले और फिर सेविंग्स अकाउंट में कर लेते हैं उसे अपग्रेड, तो आपका वॉलेट अकाउंट खत्म हो जाता है, आपका सेविंग्स अकाउंट रहता है और उसी सेविंग्स अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है, अगर आपको वॉलेट अकाउंट खोलने में कोई समस्या या दिक्कत हो रहा है तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको सेविंग्स अकाउंट खोलने में भी समस्या हो रहा है या जियो फाइनेंस से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपको दिक्कत हो रहा है उसका सॉल्यूशन अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं जरूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।